हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स लवेबल कैली। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं आपके लिए नए तरीके का लौकी का हलवा, जो आज तक आपने कभी ना खाया हो। इसके लिए हमने ली है एक मीडियम साइज की लौकी। इसके लिए हम अपनी लौकी को पहले छील लेते हैं, फिर उसको कद्दूकस कस के बाद में हमको इसको उबाल लेना है। तो अभी हम अपनी लौकी छील के अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। हम अपनी लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। हमारी लौकी कद्दूकस हो चुकी है और हम इसको उबलने रख देते हैं। जब तक हमारी लौकी उबलेगी तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। हमने अपनी लौकी के लिए घर में ही खोआ तैयार किया है। आप चाहें तो बाजार का भी यूज कर सकते हैं। हमारी लौकी उबल चुकी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ठंडे होने के बाद हम इसको निचोड़ लेंगे। ठंडे होने पे ही आप निचोड़ें, क्योंकि गर्म पे हाथ निचोड़ेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। हमारी लौकी ठंडी हो चुकी है और हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ लेते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और हलवा बनाते में हमको ज़्यादा लौकी के रसीले होने का सामना ना करना पड़े, पानी अच्छी तरीके से निचोड़ना चाहिए। और हमारी लौकी हमने खोए में मिला दी है और इसको कम आंच पे धीमे धीमे चलाते रहो। तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारा खोआ घी ना छोड़ दे। इसको आराम से चलाइएगा आप। जितनी धीमे आंच में अच्छे से पकाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। ये डालते हैं 2 बड़े चम्मच शक्कर, गरी जो हमने कस ली है, कद्दूकस की हुई है और कटे हुए मेवा काजू बादाम, इनको चला लो। अच्छे से कम आंच पे ही इनको पकाते रहना है। इसी की इसमें खुशबू भी अच्छी आए, लौकी भी गल जाए और हमारा बर्तन तली भी ना पकड़े। देखिए हमारा हलवा तैयार हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, उसका रंग, उसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है।